महादेव जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल ब्लिस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि श्री किन्नौर कैलाश यात्रा 2024 के जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और पहले जो 5 दिन के रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो 25 जुलाई को कम्प्लीट भी हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों कुछ एक लोगों का क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने पहले 5 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया, क्या वही आपकी श्री किन्नौर कैलाश यात्रा कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है नो। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रशासन ने इस बार जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वो स्टेप बाय स्टेप रखी है, यानी कि जो पहले 5 दिन के देखो आपके 25 जुलाई को कंप्लीट हो गए, और आने वाले 5 दिन के आपके आने वाला जो संडे है यानी जो परसों है वो 11:30 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे 6 से लेकर 10 अगस्त के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपका 11 से 15 आएगा वो अगले 2 दिन के बाद होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 15 से 20 वो फिर उसके अगले दिन 2 दिन के बाद होगा, देन आपका 21 से 26 वो फिर अगले 2 दिन के बाद होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रशासन ने स्टेप बाय स्टेप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन श्री किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए रखे। तो आप घबराएं नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त तक अभी हुए हैं और 6 अगस्त से 10 अगस्त आपका संडे को यानी आपकी 28 जुलाई दिन में 11:30 बजे से होंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ है, जैसे कि आप ऑफिशियल साइट में भी दे सकते हो कि प्रशासन ने आज ही अपडेट करवाया है कि जो 6 से लेकर 10 अगस्त के बीच में जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है उनका संडे यानी 11:30 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा स्लॉट बुकिंग के लिए, ठीक है। तो आप तैयार रहिएगा, और यही बड़ी न्यूज़ थी दोस्तों आज के इस वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर जो डिस्प्ले में आप जो नंबर देख रहे हो व्हाट्सएप, आप इसमें पर्सनल चैटिंग भी कर सकते हो। जय श्री किन्नौर कैलाश।